वरना अगर आपको झारखंड की अगर भाषा समझती है तो मुस्लिम समाज भी इनके साथ में उसी भाषा में उतरेगा। हमें समाज को अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो बेशरम की झाड़ के नीचे जाके मर जाना। इन्होंने सरकारें आती है सरकारें जाती है और इनको सिर्फ आश्वासन पे रखा जा रहा है, जैसे मुस्लिम समाज को भी आश्वासन पे रखा गया है। तो मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सिस्टम नहीं जम रहा है तो जगह खाली करो, आने वाले को जगह दो, इंशाल्लाह जो है तो उनका ये रास्ते के ऊपर जो है तो इनका कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलेगा। ये सरकार ने पूरी खुर्चा खाली करना चाहिए। ये सरकार ने अगर नहीं होता इनसे तो इन्होंने छोड़ देना चाहिए और हमारे हाथ में सत्ता तो जो हमारे बच्चों ने अभी जो आत्महत्या करे हुए तो ये 302 की कलम मुख्यमंत्री पे और उप मुख्यमंत्री पे लगाना चाहिए, क्योंकि इनका जो ये बीजेपी की सरकार जो है ये सिर्फ एक ही इनका मुद्दा है कि बस कोई समाज जो है तो आगे बढ़ना नहीं। देखिए मुस्लिम महिला जो है तो रोड पर इसलिए नहीं आ रही है कि कुछ हमारे पास पर्दे का मसला होता है, लेकिन जो है तो अंदरूनी जो है तो मराठा समाज को हमारा जाहिर प्रतिम्बा है और घर में से भी है और बाहर से भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बेशरम सरकार इन्होंने जो है तो अपनी कुर्सियाँ खाली करना चाहिए, क्योंकि अपने समाज को अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो बेशरम की झाड़ के नीचे जाके मर जाना। इन्होंने हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जयरंगे पाटिल साहब जो तो और मराठा क्रांति मोर्चा ये बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर सरकारें आती है सरकारें जाती है और इनको सिर्फ आश्वासन पे रखा जा रहा है, जैसे मुस्लिम समाज को भी आश्वासन पे रखा गया है। तो मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सिस्टम नहीं जम रहा है तो जगह खाली करो, आने वाले को जगह दो, इंशाल्लाह जो है तो उनका ये रास्ते के ऊपर जो है तो इनका कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलेगा। इनका कहीं तो जयरंगे पाटिल साहब जैसा बता रहे हैं कि आरक्षण के लिए जगह है तो फिर इसके ऊपर जो है तो पार्लियामेंट के अंदर सांसद के अंदर इसके ऊपर बैठक क्यों नहीं लगाई जा रही? इसके ऊपर बैठक लगाकर इसकी जो है तात इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और चर्चा करके इसके ऊपर मार्ग निकालना चाहिए। अगर ये आपके पास इतनी ताकत नहीं है तो आप अपनी जगह खाली करो। यही नजीरुद्दीन फारूकी अटल समाज सेवक आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वरना अगर आपको झारखंड की अगर भाषा समझती है तो मुस्लिम समाज भी इनके साथ में उसी भाषा में उतरेगा। सर अभी आपने कहा है कि जो आमदार है खासदार है उसे खाली करना चाहिए, सर जब सरकार नहीं रहेगी तो समस्या कैसी होगी? देखिए रहते हुए काम करना पड़ेगा। आपने खासदार का सवाल किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इम्तियाज जलील साहब जो है तो बैंकों के मसले उठाती है। जब मुख्य यहाँ पे जो मंत्रिमंडल होता है तो जब बैंकों के मसले उठाते, अरे समाज के मसले उठाने चाहिए, बैंकों के मसले तो चलते रहेंगे। उनके बैंकों के मसले उठाने के लिए भागवत करार नहीं है क्या? अरे मुस्लिम समाज का मुद्दे को उठाना चाहिए था, मराठा समाज के मुद्दे को उठाना चाहिए था, उस बैठक में इस मैसेज को देना चाहिए था। क्या कर रहे हैं आप, कौन सी राजकारण कर रहे हैं? समाज एक तरफ गए तो भूखा मर रहा है, रोड के ऊपर उतरा है, समाज के कोई किसी समाज की तरफ ध्यान नहीं है आपका। अरे आप खासदार है, आपको जो है तो इन सभी समाज के लिए लड़ना चाहिए, स्पेशली मराठा समाज जो है तो पिछड़ गया है, आज इतना पिछड़ गया है कि उन्हें आज वो आत्महत्या करने पे जो है तो आमदा है। तो अध्यक्ष साहब ने जो है तो मराठा समाज की तरफ ख्याल करना चाहिए और उनकी जो है तो ये समस्या जो है तो संविधान के तहत जो है तो उनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। सर एक बार मैंने आपकी न्यूज कवर किया था और आप मुस्लिम आरक्षण चार तक का जो कोटे दिया था उसके लिए आप कर रहे थे, आप भी वंचित है और ये भी वंचित है, जब दो वंचित मिलते हैं तो कैसा लगता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए अब हम वंचित नहीं है, पहले आपको मीडियम के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अब हम जागरूक हो चुके हैं। अगर ये सरकार इसके ऊपर निर्णय नहीं लेंगी तो इसका डिसीजन क्या होगा सरकार नहीं जानती। मैं शेख आसिफ शेख महबूब, आज दो महीने से ये लड़ाई आरक्षण की चालू है। हमारे माननीय शिंदे सरकार फंडवनीस, कल मैंने एक न्यूज में देखा कि कई चुटमुट घटनाएं हुई जब हम पर अन्याय हो रहा हमारे मराठा भाइयों के ऊपर, तो गृह मंत्री एक बयान देता कि जो लोग जालपोल कर रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि जिन लोगों ने जिन मराठा बच्चों ने आत्महत्या करे हुए
तो ये 302 की कलम मुख्यमंत्री पे और उप मुख्यमंत्री पे लगाना चाहिए, क्योंकि इनका जो ये बीजेपी की सरकार जो है ये सिर्फ एक ही इनका मुद्दा है कि बस कोई समाज जो है तो आगे बढ़ना नहीं, बेरोजगार रहना, इनको कोई काम धंधा हाथ पे होना नहीं। और ये आज जो है तो आज हमारे मनोज भाई जो आज जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे और एक ये तमाशा देख रहे हैं दोनों भी, और कुछ भी तरह तरह के स्टेटमेंट देते, वो एक पागल वकील क्या नाम है उसका, वो सदावर्ते, वो बेवकूफ आदमी जो है तो कुछ भी तरह तरह के बयानबाजी करते रहता है, वो भी बेवकूफ है, उसपे भी 302 की कलम दाखिल होना चाहिए। उसके टेंशन से बच्चों ने आत्महत्या करे हुए, उसके जो बयानबाजी की वजह से आज इनको ये ऐसा लगा कि उसके बयान से कि इनको आरक्षण जो है तो इनका खतरे में पड़ते जा रहा, तो इसके वजह से बच्चों ने टेंशन में आके आत्महत्या करे हुए। तो वो लोगों के ऊपर सदावर्ते उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इनके ऊपर सब जो जो स्टेटमेंट दे रहे आरक्षण के खिलाफ में, तो उनके ऊपर 302 की कलम दाखिल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आपका नाम और पद? मैं शेख आसिफ शेख महबूब, उद्योग जी ठाकरे गढ़ में, मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ शिवसेना का। और आप एक जात के अंदर, उसके अंदर मराठा आरक्षण के पिंडाल में बैठी है, क्या संदेश देना चाहती है? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, आज मराठा लोग जो आरक्षण के लिए बैठे हुए, ये सब शेड्यूल के कास्ट के लोग बैठते हैं, पर उस टाइम पे इनको कोई चीज का आरक्षण दिया नहीं गया हुआ है। और अब मराठा आरक्षण के लिए जो हमारे मनोज जरालजी साहब जो बैठे हुए हैं, तो उनका अगर जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं, उनका एकदम ऐसी कंडीशन हुई है अभी की कि माइक पकड़े नहीं जा रहा। आज 2 महीने से आरक्षण चल रहा है और वो मुद्दे के चलते हुए 2 महीने होता है, तो फिर भी इन्होंने जागरूकता नहीं आई हुई। अभी की जो बीजेपी सरकार है, ये गांडू सरकार है साली, ये हिजड़ी सरकार है, ये सरकार को ये सरकार ने पूरी खुर्चा खाली करना चाहिए। ये सरकार में अगर नहीं होता इनसे तो इन्होंने छोड़ देना चाहिए। और हमारे हाथ में सत्ता, तो जो हमारे बच्चों ने अभी जो मराठा समाज के 8-9 बच्चों ने जो आत्महत्या करी हुई है, तो इसका मुद्दा उठा के इनके ऊपर तकरार दाखिल करना चाहिए और 302 तकरार दाखिल करना चाहिए और ये मुद्दा निकलना चाहिए सामने। अब पर ये नहीं देने का कारण बताना चाहिए, सरकार ने क्यों नहीं देना चाहती है मराठा समाज को आरक्षण, ये कारण बताओ पहले। हम चाहते हैं कि इसका कारण हमको भी मालूम पड़े, क्योंकि ये आगे जो बहुत बात बढ़ी हुई है, सरकार इसके मुद्दे को पर अकल दखल नहीं ले रही है। हम चाह रहे हैं इसका कारण बताना चाहिए। आपको शुभ नाम और आपका पद? मैं विष्का। बहुत ज्यादा फिक्र कर रही है, जबकि यहाँ पर हमारे मराठा समाज के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूख हड़ताल लगा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, अभी ये मामले चालू है, इसके ऊपर उन लोग ध्यान दे। और जो हादसे हो रहे हैं इसकी सरकार ही जिम्मेदार है, और इन पर जैसा हमारे आसिफ भाई ने बोले कि 302 की कलम लगना चाहिए, तो जरूर लगना चाहिए। समाज सेवा, इनकी ओर से मराठा आरक्षण को जो पाठिंबा दिया, हम मराठा क्रांति मोर्चे की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सर, अभी पूरे महाराष्ट्र में एक आग देखी जा रही है। हाँ, मेरा सवाल ये है, सरकार अगर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो अगला कदम आपका क्या, सरकार का संदेश क्या है आपकी ओर? हाँ, और हमारे मराठा योद्धा मनोज चरणजी पाटिल ने जो सरकार को 40 दिन का टाइम बाउंड दिया था, अभी 50 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने कोई भी आरक्षण के ऊपर तोड़गा नहीं निकाला अभी तक। और जो आने वाले कल में जो मनोज तरंगे पाटिल जो आज से जो पत्रकार परिषद लेके जो भी संदेश देंगे, हम उनका पूरी तरह से पालन करेंगे। और सरकार को हम इतना ये आश्वस्त करेंगे कि तुमने अगर आरक्षण दिया नहीं है तो तुमको हम सब मिलके, सब महाराष्ट्र की जनता उखाड़ के फेंक देंगे। सर, अभी एक ये साहब ने अगर समाज के जिम्मेदार नजीब फारूक साहब ने कहा कि जब निजाम सरकार का दौर था तो उसका मराठा समाज को अन्याय दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, और आज हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की सरकार मराठा समाज की सरकार है, आखिर क्या कारण है? कारण क्या है? हैदराबाद स्टेट के अंदर अभी भी मराठा समाज को ओबीसी का दर्जा है, वहाँ पे आरक्षण शुरू है अभी तक, और ये हिंदुत्व की सरकार है, तो ये क्या करे, हर जात धर्म के नाम पे अपना दंगे फसाती है, जालपोल करती है, लोगों का विषय डाइवर्ट करती है। जो हर समाज को, हम तो बोलते हैं हर समाज को न्याय देना चाहिए, कोई भी समाज रहने दो, समाज का काम है उनकी प्रगति के लिए आगे आना चाहिए, और हर समाज का काम है उनको, सरकार का काम ये, मुस्लिम समाज हो, मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, हर समाज को बोलता हूँ मैं, हर समाज को न्याय देने का काम सरकार की जवाबदारी होती है। मराठा को मिलना चाहिए आरक्षण, और मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, 5% देने का बोले थे, वादा करे थे, 5% भी हमको मिला नहीं अभी, और मराठों को भी मिलना चाहिए, हर समाज को अपना अपना संविधान मिलना चाहिए, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि मराठों को भी मिलना आरक्षण, मुसलमानों को मिलना चाहिए, ये हमारा बोलना है, ये हमारी पूरी जनता का आवाज है। ये मराठा समाज को, हमारा पूरे मुस्लिम भाइयों का भी है, हमारे पूरे बिरादरी का भी है, सबका सपोर्ट, हमारे मराठा भाई को हमारा सपोर्ट है।